हेलो, गुड मॉर्निंग, कैन यू ऑल हियर मी? आर यू ऑल देयर? ओके, सो लास्ट टाइम वी हैड स्टॉप्ड एट वी हैड डन द 10th क्वेश्चन, राइट? We had done the 10th question. I'm starting the 12th question. There are some couple of sums only to do that I'll finish it off today and the chapter will get over. Okay. The density inside a solid sphere is given by rho is equal to rho naught A by R. Little bit of bearing. The density which is given is rho naught A by R is inverse to R. मतलब जैसे R बढ़ता जा रहा है वैसे density कम होता जा रहा है. Where rho naught is the density at the surface and R denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to the sphere at a distance 2a from the center. Okay. So we know that देखो भाई, there is a sphere, radius is a. I want to find gravitational intensity at a distance 2a. So gravitational intensity at a distance 2a is gm by r square, by r is 2a ka square. So it will become gm by 4a square. ये तो ठीक है, बट आई डोंट नो एम. इस एम इज अननोन. यू नीड टू फाइंड एम इन द क्वेश्चन एंड व्हेन यू प्लग इन एम यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. सो आवर एम इज टू फाइंड मास, टोटल मास, इसका मास पूरा. अच्छा, डेंसिटी का वेरिएशन इज गिवन टू यल. डेंसिटी वेरिएशन इज गिवन एंड डेंसिटी इज इनवर्स टू आर, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, इट इज वेरिंग. तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यू विल, दिस इज ए ओनली, आई विल गो टू एक्स एंड आई टेक एन एलिमेंट डी एक्स. Okay. I go to R and I take an element dr. This element is dr. The thickness is dr. So can I say mass of this element will be dm, will be density into volume, because it is sphere na, it is a 3d, so 3d mein rho aayega na, lambda sigma rho ki jagah rho aayega. Mass will be density per unit volume into volume. And can anyone tell me what is volume of this element? Now density into volume, volume of this element will become 4 pi r square dr. Ye hum log pehle kar chuke hain. It is area into thickness. Area into thickness. Volume is area into thickness. ये याद रखना, ये dm मिला. अच्छा ना, उस dm को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, rho को लिख सकते हैं rho naught a by r into 4 pi r square dr. This and this will cancel. So dm will become rho naught a 4 pi r dr. ठीक है, अब इसको मास को इंटीग्रेट करना है. सो कैन आई से दिस विल बी 0 टू m एंड दिस विल बी 0 टू a. एलिमेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम, दिस m मिल गया, रो नॉट a
4 pi r d r square by 2 will become a square by 2. So m net is going to become rho naught 2 pi a cube. Now I'll put this over here. So this will be gm rho naught 2 pi a cube by 4 a square. ये मिल गया g rho naught pi a by 2, ठीक है ना. सो दिस इज द ग्रेविटेशन इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ये पहले कर चुके हैं भाई, इट इज नॉट न्यू. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हेलो. यस. याद रखना कि ये 3D बॉडी है, स्पेयर है. तो यहाँ पे 3D बॉडी है तो 3D के लिए रो आएगा, एंड उसके लिए जो एलिमेंट का वॉल्यूम रहेगा, तो व्हाट डू आई डू, आई गो टू x एंड आई टेक अ dx, और आई गो टू r एंड आई टेक dr. तो ये जो dr पकड़ा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये इसका ध्यान रखना है. वॉल्यूम विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. दिस पीपल टेंड टू फॉरगेट. सो मास ऑफ द एलिमेंट विल बी व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड फिर इंटीग्रेट कर लो. सो दैट विल बी द आंसर. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज टू बी रिमेंबर्ड इन केस ऑफ 3D बॉडी. 2D होगा तो सिग्मा लेना पड़ेगा, दैट इज एरिया. एरिया विल बी, देखो अगर ये 2D बॉडी होता, मतलब ये डिस्क होता, डिस्क सपोज ये 2D होता, तो मैं क्या करता. अगेन आई विल गो टू आर एंड आई टेक dr, ये dr है. बट ये अगर ये 2D बॉडी होता तो इसका एरिया लेता ना, dA. एरिया इज लेंथ इंटू थिकनेस. लेंथ क्या होगा इसका, 2 पाई आर होगा, इंटू थिकनेस इज डी आर. एंड फिर इसका मास कितना हो जाएगा, कैन आई से मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? हेलो. यस. क्या रहा है 2D, ये 2D बॉडी है. और अगर 1D होता तो आपको तो मालूम है लैम्डा लेना है लैम्डा, और उसमें लेंथ ही आएगा ना सीधा. सो ये 2D और 3D में ध्यान रखना है, बहुत टाइम ये दोनों चीजें रिपीट होती है. फाइन, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 14. The mass m is taken to a height r from the surface of the earth and then given a vertical velocity. Find the minimum value of v so that it never returns on the surface. एकदम आसान है, देखो. कैपिटल m, कैपिटल r, अर्थ. दिस m is taken where? To a height r. And it is given a vertical velocity v, so that it will escape to infinity and never ever return. Can I say the first point is this, and the second point is this is the initial point, and this is the final point. Chalo baba, can anyone tell me initial point pe potential energy kitni hai? माइनस जी एम एम बाय छोटो आर ना, छोटो आर इज आर प्लस एच ना. डू यू अग्री? हेलो.
सर दिस इज छोटो आर ना यार। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी है इसको, हाफ एम वी स्क्वायर देनी है। वी का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। अच्छा फाइनली कहां पर पहुंचना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे टोटली एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, बराबर है ना। हेलो पोटेंशियल भी जीरो होती है, काइनेटिक तो होना ही नहीं चाहिए। इट शुड नेवर एवर रिटर्न, मतलब इट शुड स्टॉप ओवर देयर। सो कैन आई से टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। सो पी प्लस के दैट इज माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर शुड बिकम जीरो। सो एम और एम उड़ा दो, मल्टीप्लाई बाय टू करो तो माइनस जी एम बाय आर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल जीरो। सो वी विल बिकम अंडर रूट जी एम बाय। दिस इज हाउ यू डू इट। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। यू आर जस्ट इक्वेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So, yes, sir. Tell me. Can we use the formula of escape velocity? What is the formula for escape velocity? Under root 2 gm by r. Which r? Capital R is only taken when it is on the surface. Is it on the surface? So we can substitute 2 r. Ha, you can substitute 2 r over there. Okay. So you can use this formula, not the bado r wala. Sk velocity at a height h is under root 2 gm by r plus h small r. Yes, you can do that. Getting enough? Wo aa jayega directly. Ye kitna ho jayega? 2 r aa jayega. 2 r ki jagah 2 2 cancel ho jayega. You will get the resultant answer. Okay. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पोर्शन के अंदर हमने जो फॉर्मूला किया है वो कौन सा किया है, ऑन द सरफेस वाला, बड़ो आर वाला, बराबर है ना। तो अगर हाइट पर है तो छोटो आर याद रखना, इट इज स्मॉल आर, इट इज नॉट कैपिटल आर। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट यू कैन डू दिस आल्सो। 15th क्वेश्चन, लिसन टू मी। In a figure, mass is 400 and 100 are fixed. How much work is done in moving 1 kg mass from point A to point B? Is dhyan dena abhi idhar. So point A, point B. Can anyone tell me? Jab mass idhar hai na, point A par. इधर 1 केजी रखा है सपोज, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी ड्यू टू 400 केजी विल बिकम माइनस जी एम एम। बाय आर, आर कितना है सेंटर से, 2 है ना, और दूसरे वाले के कारण इट इज माइनस जी एम एम। बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, हेलो 8 रहेगा ना। ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितने की आएगी, माइनस जी एम एम बाय 2 माइनस जी एम एम बाय 8। डू यू अग्री विथ मी, हेलो। यस सर। अच्छा अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि भाई वर्क डन करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब भी पूछेगा वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यू नो वर्क एनर्जी थ्योरम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस और नो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बट जब भी आपको वर्क डन के बारे में पूछेगा, यू आर डूइंग वर्क, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा व्हाट इज द फाइनल पॉइंट भाई, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, कहाँ जाना है, ए के बी, सो यू बी माइनस यू ए, यू बी ए है,
माइनस जी 100 इंटू 1 बाई 2 माइनस जी 400 इंटू 1 बाई 8 माइनस, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा ना, इसका वैल्यू निकाल देना, आंसर आपको जूल में दिखाई देगा। यस और नो? हेलो, यस ये क्लियर है, ठीक है ना, सो दैट इज ऑल ओके। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विथ 1 केजी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टू द राइट टू रीच पॉइंट बी। अच्छा नाउ अब ध्यान देना सब लोग, अभी पे अटेंशन टू मी। देखो एक एक वर्ड मैं इसको रब करता हूँ, ये कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने, हेलो भाई ये कॉपी कर लिया, आई एम वांट टू डू द सेकंड पार्ट सो आई रिक्वायर स्पेस, आई एम रबिंग एवरीथिंग, चलेगा ना? यस सर। अब मजा आएगा, बहुत अच्छा समय, देखो इधर से, व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विथ 1 केजी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टू रीच बी। अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 400 है और ये है 100, दिस इज 100, ओके। एंड इन दोनों को ज्वाइन करके जैसा दिस पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, दिस पॉइंट बी डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, टोटल डिस्टेंसेस 10 मीटर। हेलो, सेंटर टू सेंटर बराबर है ना? हेलो, अब कह रहा है कि ए से 1 केजी को थ्रो करना है, यहां पर 1 केजी को रख दिया हमने और उसको हमने मिनिमम स्पीड दिया ताकि वो बी तक पहुंच पाए। मिनिमम स्पीड मतलब मिनिमम एनर्जी ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा कोई बता सकता है ये जो 1 केजी अभी इधर है, इधर जो 1 केजी है वो किसके नजदीक है और किससे दूर है? हेलो, किसके नजदीक है और किसके दूर है? हु इज नियर टू हिम, विच मास इज हैविंग इन्फ्लुएंस मोर ऑन हिम, 400 के 100? 400 मतलब 400 उसको बोलेगा भाई कहां जा रहे हो, मेरी तरफ आओ, बिकॉज इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। हेलो, अरे भाई बोलो, बराबर है, 400 केजी उसको खींचेगा, 100 केजी भी उसको खींचेगा, बट 400 का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। हेलो यार बोलो, 400 का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो yes, हमको 400 के अगेंस्ट में, 400 के अगेंस्ट में उसको थ्रो करना है मिनिमम स्पीड से ताकि वो बी तक पहुंच पाए। अच्छा हमको एक्चुअली बी तक नहीं पहुंचाना है, हमको ऐसी पॉइंट तक पहुंचाना है, ध्यान देना सब लोग, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी जीरो हो जाए। कहने से अगर ये जो मास है ये इधर से इधर तक पहुंच गया तो कहने से वो बी तक भी पहुंच जाएगा। हेलो, क्योंकि ये ईजी के राइट साइड पे जो है ना, ये पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी को पकड़ते हैं, ये पॉइंट को पी पकड़ते हैं, कैन आई से पी के लेफ्ट साइड पे 400 का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पी के राइट साइड पे 100 का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो अगर वो पी पॉइंट को क्लियर कर देता है दैट मीन्स ही विल बी एबल टू रीच बी बिकॉज ही विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 100। हेलो यार बोलो, क्लियर है? यस सर। देखो यहां पर है ना P के लेफ्ट साइड पे ये इसका खिंचाव ज्यादा है, 400 का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ये जो एरिया है ना इट इज
okay, under influence of what, sir? 400 kg, yes or no? Yes, sir. और ये जो एरिया है, बोलो भाई, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 100 kg. यस. तो मुझे एक्चुअली एक्चुअली कितने पॉइंट तक पहुंचाना है? मुझे एक्चुअली बी तक नहीं पहुंचाना है, मुझे एक्चुअली कहां तक पहुंचाना है? पी तक. पी तक. अगर वो पी को क्लियर कर देता है तो दैट मीन्स वो अपने आप बी तक पहुंच जाएगा, उसके खिंचाव के कारण, 100 kg के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हेलो. यस. अब मजा आएगा, अभी सब लोग मेरी बात सुनो, ठीक है? तो ये हमको पी पॉइंट निकालने का. अच्छा, पी पॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर मैं यहां से एक्स निकालू, ये एक्स निकालू यहां से यहां तक, हेलो, एक्स का फॉर्मूला याद है आपको? ए अपॉन अंडर रूट एम टू बाय एम वन प्लस वन. हाँ, ये सब शॉर्टकट है ना, बहुत काम लगता है. डी कितना है? 10 meter है. एम टू इज दूसरा वाला मास, दैट इज 100/400 प्लस वन. ये हो जाएगा हाफ प्लस वन, दैट इज 3/2. ये हो जाएगा 20/3. हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस सर. अब है ना, अब मजा आएगा अगर दिया मैंने. कैन आई से एट ए, एट पॉइंट ए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए? ये निकाल चुके हैं हम लोग, बोलो. अभी थोड़ी देर पहले किया था, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या था? माइनस जी 400 इंटू 1/2, माइनस जी 100 इंटू 1/8. डू यू अग्री? हेलो. काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना देना है? हाफ एम, एम वन है, वी मिनिमम का स्क्वायर, इतना देना पड़ेगा ना काइनेटिक एनर्जी. हेलो 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 हेलो. अच्छा, कौन सी पॉइंट तक पहुंचाना है? पी. पी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस जी 400 इंटू 100 पर 1 बाय डिस्टेंस कितना है? 400 वाले से डिस्टेंस कितना है? 20/3. हेलो. एंड दूसरा वाला क्या रहेगा? माइनस जी 100 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चा? भाई ये कितना हो जाएगा? हेलो हेलो हेलो, दैट इज 10/3 ना. अरे भाई बोलो, अच्छा कैन आई से वो जस्ट पी तक पहुंच जाना चाहिए? जस्ट पी तक पहुंच जाएगा मतलब उधर आके उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? फ्यूल खत्म ना, पेट्रोल खत्म है इधर. यस और नो? यस सर. मुझे तो जस्ट पी तक पहुंचाना है, मतलब पी पे वो आके रुक जाए. रुक जाए तो अपने आप वो 100 वाला खींच लेगा उसको. कैन आई से टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पी? ये लिखा जाएगा माइनस जी 400 इंटू 1/2, माइनस जी 100/8 प्लस हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी 400 इंटू 3/20, माइनस जी 100 इंटू 3/10. इसको सॉल्व करो, एंड यहां से क्या ढूंढ लो. आर यू गेटिंग इट? हेलो. बहुत अच्छा समय है ये. ओके, क्लियर, समझ में आ गया? हेलो. मतलब कॉन्सेप्ट नंबर वन ये है, कॉन्सेप्ट नंबर वन ये है कि हमको ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो. अगर वो इंटेंसिटी वाले पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो अपने आप दूसरे वाले के इन्फ्लुएंस में पहुंच जाएगा. फिर क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है. मतलब जो पॉइंट ए है वहां से पॉइंट पी तक टोटली एनर्जी सेम है, बिकॉज इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर टू, वेयर वी अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओवर हियर. ठीक है. सो ऐसे टाइप का सम जब भी आया, सबसे पहले हमको वो पॉइंट फाइंड करना है वेदर इंटेंसिटी इज जीरो,
देखो दो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर वन फाइंड द पॉइंट वेयर एजी इज जीरो, एंड कॉन्सेप्ट टू क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी वेयर द एजी इज जीरो, ये पॉइंट पी है उधर इक्वेट कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर दिमाग में बैठ जाता है तो देन यू कैन अप्लाई द नंबरिंग एंड मैथमेटिकल थिंग्स विच अदर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग बाबा। हेलो, ये कोई लोकल सम्स नहीं है, अच्छे वाले सम्स सिखा रहा हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये पहले भी कर चुके हैं। हैव वी डन सम्स बेस्ड ऑन बाइनरी स्टार्स? मैंने सिखाया था आपको बाइनरी स्टार सिस्टम। देखते हैं हम लोग, टू आइडेंटिकल स्टार्स मास एम ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ मास। हेलो, यू स्पीक अबाउट बाइनरी स्टार? डिड आई स्पीक अबाउट बाइनरी स्टार्स? लो यार बोलो। यस सर। तो दो मास एम है, एक मास एम है, दूसरा मास एम है, सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच ही रहेगा। कैन आई से दे आर रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट बिकॉज दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, सो दे विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास। ईच ऑर्बिट हैज रेडियस आर, मतलब टोटल डिस्टेंस इज 2 आर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे कोई दम ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, GMM by r square, that is 2 r का square will become 4 r square। ये तो मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला वाला पॉइंट खत्म। सेकेंड, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। तो सपोज ऐसे घूम रहा है वी, कैन आई से दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स? कैन आई से जी एम स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर जो हमने ढूंढा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय रेडियस इज आर। तो वी यहां से आपको दिखाई देगा अंडर रूट जी एम बाय 4 आर। ये फर्स्ट पॉइंट खत्म, सेकंड पॉइंट खत्म, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम? ओके, एंड द टाइम पीरियड भी पूछा है, सॉरी आई फॉरगॉट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई आर बाय वी ना। क्लियर है? हेलो, तो ये 4 का रूट 2 4 पाए आर रेस टू 3 बाई 2 बाय जी एम, ये मिल गया टी। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार्स? ओके, सी टू इंफिनिटी है, मतलब हमको वर्क डन चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, अभी फिलहाल एनर्जी कितनी है इनके पास? ओके, अभी फिलहाल इनिशियली कितना एनर्जी है इनके पास? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल कितनी एनर्जी है पोटेंशियल दोनों के बीच में, जल्दी बोलो यार। माइनस जी एम एम में 2 आर। 2 आर सही है ना? काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोनों के पास? एक के पास हाफ एम वी स्क्वायर है, दूसरे के पास भी हाफ एम वी स्क्वायर है ना? यस और नो? हेलो, कैन आई से इट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर? बोलो भाई, एम वी का स्क्वायर, वी यहां से उठा लो, जी एम बाय 4 आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टोटल एनर्जी इनिशियली?
ये दोनों को ऐड मार दो, कितना हो जाएगा? यस और नो? अरे भाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा ना, अरे देखो ना, एक हाफ है एक वन फोर्थ है। यस और नो? इतना एनर्जी इनके पास है। व्हाट डज नेगेटिव साइन मीन? व्हाट डज नेगेटिव साइन मीन? दैट दे आर बाउंडेड। बराबर है क्या? कैन आई से इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड सो दैट दे विल एस्केप और दे विल अनबाइंड टूगेदर, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। भाई याद है किसी को? अरे भाई binding energy is minimum amount of energy supply so that it escape from the influence and never ever returns. Yes or no? अगर इसका yes, equal and opposite energy दे देंगे, ये दोनों एक दूसरे के influence से अलग हो जाएंगे infinity पर, and this will be the energy required. So 4 hour. Yeah? 4 hour. 4 hour. Oh, 4 hour. Sorry, 4 hour. क्लियर है ना ये? ठीक है, चलो। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है रिक्वायर्ड टू एस्केप इट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन इट इज। कंसिडर टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस मूविंग in the same circular orbit of radius r around the earth but in opposite sense, therefore the collision occurs. Okay, so kya ho raha hai? Aur ta there are two satellites, they are going in opposite direction. Dekho aise aise jab yahan par aayenge कोलिजन हो जाएगा दोनों के बीच में। फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ईए प्लस ईबी ऑफ द टू सैटेलाइट्स प्लस द अर्थ जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, एकदम आसान है। देखो, कोई बता सकता है ये एक रिवॉल्विंग सैटेलाइट है? व्हाट इज द टोटल एनर्जी फॉर अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट? ये याद है? हेलो हेलो यार बोलो। यस सर। तो इसका भी वही तो रहेगा, इसका भी टोटल एनर्जी कितना रहेगा? तो आपको पूछा है बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी कितना होगा दोनों का? माइनस जी एम एम बाय टू आर एन टू टू। This is the A point, सही है ना? Before collision. तो दोनों घूम रहे हैं ना, दोनों का एनर्जी तो एडिशन ही हो जाएगा ना, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। अब B point क्या बोल रहा है? B point is saying what? If the collision is completely inelastic. Completely inelastic. मतलब क्या हुआ? चिपक गया एक दूसरे से। अच्छा, can you tell me what will be the final momentum of the system? Collision के बाद? Zero. Zero हो जाएगा ना? ये कर चुके हैं पहले भी। भाई एक MVA है, दूसरा MVA minus MVA, तो initial momentum भी zero है, final momentum भी zero होना चाहिए। That means the scenario will be what? के ये M और R है, ये 2M का टुकड़ा बनेगा और उसका वेलोसिटी ये किस पे आ गया बेटा? रेस्ट पे आ गया, सही है ना? फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। सो कोई बता सकता है इसका एनर्जी कितना रहेगा अभी? भाई इसके पास अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना अभी। हेलो, माइनस जी m into 2m by छोटो r, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना,
can I say total energy will be potential only minus G M to M by R. Hello? Are you getting it? Yes or no? After collision, describe the subsequent motion of combined satellite. क्या होगा अभी? अभी ये satellite के साथ क्या होगा? ये 2M का टुकड़ा जो रुक चुका है, वो क्या करेगा? Fall down. It will fall down obviously because critical velocity है ही नहीं उसके पास, तो सीधा वो Earth के influence में सीधा नीचे गिर जाएगा. This will be the trajectory. तो gravity उसको खींच लेगा. So I hope you all have understood. कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है ग्रेविटेशन. वी हैव कंप्लीटेड ग्रेविटेशन. मंडे को आई विल बी स्टार्टिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर एंड वंस एसएचएम इज कंप्लीट देन वी कैन जंप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड बुक नंबर 3 व्हिच इज देयर. इस बुक के तरफ हम लोग बाद में आएंगे सर. ये सब फिर आखिर के जो चैप्टर्स है उसका कोई ज्यादा वेटेज नहीं है. वी कम. हाँ बेटा. So current electricity will be again mechanics dependent or fully dependent? No. It will be independent. Current is very independent. Electrostats, current. See, I'll just give you a brief. SHM करेंगे पहले. SHM में कुछ video recording I'll send you and कुछ I'll solve. Okay, because देखते हैं हम लोग. Video recording I'll send and some will be solved. So this will be recorded plus live lectures. Current electricity will be full life. Then we'll do electrostatics. Then electromagnetic induction. And light. Okay, ये series में हम लोग चलेंगे. फिर बाद में छोटे मोटे chapters हैं that we'll cover. उसमें कोई दमी नहीं है, वो एकदम ही आसान है. These are the major section of chapters which we need to cover. ओके ठीक है चलो. टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक